नमस्कार, स्वागत का न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजस्थान में अगले 24 घंटे में पेट्रोल की बड़ी किल्लत होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो जल्द ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लीजिए, क्योंकि राजस्थान के 6,700 पेट्रोल पंप 31 मई की शाम 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालक कई ईंधन भी नहीं खरीदेंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि प्रदेश भर के पेट्रोल पंप संचालक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के टॉप 50 में हिंदी माध्यम से 2 जनों का चयन हुआ है। 2014 में हिंदी माध्यम से 13वीं रैंक पास कर IAS बने जालोर कलेक्टर निशांत जैन ने बताया है कि 10 साल के अंतराल के बाद में 2015 में उनका हिंदी माध्यम से 13वीं रैंक के साथ में चयन हुआ है। तब हिंदी लेकर के उत्साह बढ़ा, लेकिन 2016 में कुछ लोगों का चयन होने के बाद में वापस हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों को सफलता कम मिल रही थी। मरुधरा के दक्षिणी हिस्से वागड़ के अंदर हरियाली की सौगात देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो राजस्थान का चेरापूंजी कहे जाने वाला बांसवाड़ा जिले का सरहदी इलाका इन दिनों 48 डिग्री से अधिक तापमान के चलते सूखे के हालात झेल रहा है। MP बॉर्डर से लगे प्रदेश के अंतिम गांवों में लू है भीषण गर्मी समेत तीसरी परेशानी बनी हुई है। खुद के लिए पेयजल के साथ पशुओं के लिए भी पानी जुटाने की चुनौती अभी बनी हुई है। ओवरलोड वाहनों की मौके पर ही जांच करने के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में पोर्टेबल वेइंग मशीन खरीदने में बड़ा घोटाला सामने आया है। पहली गड़बड़ी, जो मशीन 9 लाख रुपये में मिल रही थी उसे परिवहन अधिकारियों ने 16 लाख रुपये में खरीदा। इतना ही नहीं, ताबड़तोड़ 29 करोड़ खर्च करके 198 मशीन खरीद भी ली। दूसरी गड़बड़ी, मशीन में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।